कॉस है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको जनरल वैल्यू बतानी है, एक कॉस है एक साइन है, साइन को इधर लाओ। ऑब्वियसली साइन फोर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस सेवन थीटा एंड साइन फोर थीटा इक्वल टू टू कॉस फोर थीटा, वो सॉरी टू साइन फोर थीटा इन टू कॉस थ्री थीटा। अब देखो आपने साइन फोर थीटा कॉमन ले लिया, एक मेंटली हो गया आपका, तो यहां मिल गया वन माइनस टू कॉस थ्री थीटा, दिस शुड बी जीरो। तो साइन फोर थीटा इक्वल टू जीरो और कॉस थ्री थीटा इक्वल टू वन बाय टू। अब साइन एन थीटा, अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो थीटा क्या होता है? आप लोग बेटा अभी पूरा फोकस इसको समझने में लगाओ, एन पाई पर, एन पाई में फोर का डिवाइड होगा तो एन पाई बाई फोर इन दो में नहीं है, कट। ऑप्शन हमेशा कम करना चाहिए, एन पाई बाई फोर यहां है। अच्छा, फिर ये कॉस थीटा के टर्म में है, तो कॉस थीटा के टर्म में दूसरा पार्ट वो है ना, एक मिनट मैंने इसको, अच्छा ये सॉरी बेटा सॉरी, साइन लिखना था, सॉरी साइन थ्री थीटा है ना। तो अब साइन थ्री थीटा, अब मुझे एक बार बताओ साइन के फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस वन का पावर एन, तो इसी में है, इसमें है ही नहीं, मत करो उसको सॉल्व, मत करो सॉल्व।